तो दोस्तों फिक्स साइज का यूट्यूब चैनल बैनर बनाने के लिए आपको इस इमेज को डाउनलोड कर लेना होगा। जो स्क्रीन पर आपके सामने इमेज दिख रहा है वो इमेज यूट्यूब की तरफ से जारी किया हुआ एक इमेज होता है, जो कि हमें बैनर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो YouTube चैनल बैनर बनाते हैं लेकिन फिक्स साइज का नहीं बना पाते हैं। जब भी बैनर लगाने जाते हैं तो वो कटा कटा सा नज़र आता है, फिक्स साइज का नहीं होता है। तो YouTube की तरफ से जारी किया हुआ इस फॉर्मेट का उपयोग हम बैनर बनाने के लिए करते हैं, जिससे फिक्स साइज का हमारा बैनर बन जाता है। इसका उपयोग आगे वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्सेल लाइव एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ये इसको हम कर देंगे यहाँ से कैंसिल। जो आगे पट्टी आ रही है इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको भी हम ऊपर की साइड में जो डिलीट वाला ऑप्शन है यहाँ से क्लिक करके और ओके कर देंगे, ये डिलीट हो जाए। अब हमें इसको चैनल बैनर बनाना है, तो चैनल बैनर बनाने के लिए जो साइज है यहाँ पर हम राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इमेज साइज जो दिख रहा है यहाँ पर इमेज साइज पर हम क्लिक करेंगे। इसका साइज जो है यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर देखिए आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर, जैसा भी साइज बनाना है आपको। तो हमें तो यूट्यूब चैनल बैनर बनाना है तो यूट्यूब चैनल बैनर वाले पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हम कलर देना चाहेंगे तो कलर भी नीचे के ऑप्शनों से हम यहाँ पर कलर कोई भी अगर देना चाह रहे हैं तो इसको हम कलर दे देंगे। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसा कलर दे देंगे। जैसा कि हमने ये वाला कलर चूज कर लिया, अब हम इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो कलर सेट किया है चाहे तो कलर पे ही अपना जो है यूट्यूब चैनल बैनर बना सकते हैं, अपना फोटो लगाकर आपके चैनल का जो नाम है वो लिख सकते हैं और चाहे तो इसके पीछे इसके आगे जो है एक वॉलपेपर लगा सकते हैं। वॉलपेपर लगाने के लिए ऊपर वाले प्लस वाले आइकॉन पर आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी पर जाकर और आपकी गैलरी में जो भी आपके जो फाइल वॉलपेपर है इसको हम यहां से ओके कर देंगे और इसको हम यहां से बड़ा कर देंगे। बड़ा करके यहां से इसको कर देंगे सेट, इसको हमने कर दिया सेट। सेट करने के बाद में इसको हम कर देंगे लॉक। लॉक करने के लिए यहां पर जाएंगे और ये तारा वाला ऑप्शन बना है, यहां से हम लॉक कर देंगे और यहां पर फिर से क्लिक करेंगे हट जाएगा। यहां पर ऐसा ये है लॉक करने से इधर उधर हिलता नहीं है, यहां पर सेट हो गया। अब यहां पर देखिए YouTube एक फॉर्मेट जारी करता है, उसी फॉर्मेट पे हम YouTube चैनल बैनर बनाते हैं। वो फॉर्मेट आपको यहां मिलेगा, प्लस वाले आइकॉन पर जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और यहाँ पर हमने जो अपनी गैलरी में ये फॉर्मेट जो रखा है इसको यहाँ ओके कर देंगे। ये फॉर्मेट YouTube की तरफ से जारी किया हुआ होता है कि किस फॉर्मेट में आपको अपना YouTube चैनल बैनर बनाना होता है। इसको हम यहां से बड़ा कर देंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक बात और समझने वाली है कि इस पूरी एरिया में यदि आप सेट करते हैं अपना फ़ोटो और अपना लोगो कुछ भी, तो यह टीवी के फॉर्मेट के लिए होता है, ये टीवी में ठीक से दिखता है। और इतना एरिया है ये डेस्कटॉप के लिए होता है और ये एरिया जो है ये टैबलेट के लिए होता है और ये बीच वाला जो एरिया है डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये मोबाइल के लिए होता है। तो हमें इसी एरिया में फ़ोटो सेट करना है, जो लिखना है वो इसी एरिया में हमें सेट करना है ताकि हमारे मोबाइल पे अच्छे से दिखे, बस हमें इसी एरिया में करना है। इसको हमें लॉक कर देना है ताकि ये इधर उधर हिले ना। इसको हमने लॉक कर दिया, अब इधर उधर हिलेगा नहीं और इसी एरिया में हम सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए हमें चैनल बैनर बनाना है, तो चैनल बैनर बनाने के लिए हम अपना एक फ़ोटो लेके आएंगे। आपका जो भी फ़ोटो हो आप वहाँ से अपना फ़ोटो लेके, तो ये देखिए गैलरी से हम एक फ़ोटो लेकर आएंगे और ये फ़ोटो PNG फाइल में कन्वर्ट किया हुआ होता है। PNG फाइल में आपको फ़ोटो कैसे करना है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे एक क्लिक से आप PNG में अपना फ़ोटो कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे फ़ोटो को रिमूव कर सकते हैं। इसको हम छोटा करके उसी फॉर्मेट में वहाँ पर ही लगाना है जितने कि आपको पहले ही बताया था हमने, इस एरिया में हमें बनाना है तो इस एरिया में हमें सेट करना होगा। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ से आपको जूम भी कर लेना, जूम वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और जूम करने के लिए आपको दोनों उंगलियाँ रख के और जूम इन जूम आउट जैसे करते हैं वैसे आपको यहाँ पर बड़ा कर लेना है, इधर उधर हटा देना जैसे ही रखना और फिर जूम वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक करके, अब फिर ये देखिए
अपना जो है फ़ोटो यहाँ पर सेट करेंगे और उसी एरिया में करेंगे यहाँ पे मैंने बताया था, हो गया। नीचे वाले ऑप्शनों का उपयोग करके हम चाहें इसको थोड़ा सा इधर उधर भी हटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेट हो गया। अब हम इसको जूम फिर से हटा देंगे। अब यहाँ पर हमें नाम लिखना है हमारे चैनल का, जो भी नाम है। तो नाम लिखने के लिए चाहे तो यहाँ ऊपर वाला प्लस वाला आइकन है यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए न्यू टेक्स्ट आ गया। उसके बाद पेंसिल पर क्लिक करके और ये पेंसिल पे ऑप्शन पे जाएंगे तो लिखने के लिए आ गया। चाहे तो यहाँ से आप नाम लिख सकते हैं और चाहे तो आप इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर ये टेक्स्ट यहाँ पर आता है ये आ गया। और यहाँ पर एडिट करने के लिए नीचे वाले पेंसिल पर क्लिक करेंगे, वैसा ही चाहे तो ऊपर से कर लें चाहे तो नीचे कर लें, एक ही बात है। और यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम लिख देंगे, जो भी नाम है। जैसे हमारे चैनल का नाम है बी आर टेक्निकल, हम यहाँ पर बी आर टेक्निकल यूपी देके और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसको हम यहाँ से सेट करेंगे जैसा भी सेट करना है। अब यहाँ से इसको हमें बोल्ड करना है, बोल्ड करने के लिए यहाँ से बोल्ड भी कर लेंगे बोल्ड। उसके बाद में यहाँ से फॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप फॉन्ट दे देंगे। इसको फिर यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये देखिए हमारा सेट हो गया है। अब इसको हम इसका साइज़ हम घटा बढ़ा भी सकते हैं जैसा भी साइज रखना है यहाँ से। अब इसको हम सेट कर देंगे बिल्कुल सेंटर पे रखने के लिए। यहाँ पर देख रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ पर ऊपर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल सेंटर पर ये सेट है। अब हम यहाँ से इसको कर देंगे लॉक, ये वाला फ़ोटो भी लॉक और जो लिखा है इसको भी लॉक, लॉक कर दिया। अब हमें इस लिखे को जो भी है इसका बॉर्डर जो ही है जैसा भी कलर रखना है वो हमें देना है, तो इसके लिए स्ट्रोक वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर का कलर जैसा भी रखना है, रेट यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। बॉर्डर का कलर हमें जैसा भी रखना है वैसा है यहाँ से कलर सेट कर लेंगे, ये देखिए। और यहाँ कर देंगे इसको ओके, ये हमारा कलर सेट हो गया। अब हमारा जो फोटो पे आ रहा है तो इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिया यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर इसको हम कर देंगे लॉक, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से लॉक। लॉक करने से इधर उधर ये हिलेगा नहीं, सेट हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ पर YouTube का लोगो भी लगाना है, वो भी लगा सकते हैं, या कुछ और भी डिज़ाइन करनी है वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। YouTube का लोगो लगाने के लिए हम यहाँ पर गैलरी में जाकर YouTube का लोगो लेके आते हैं। और ये देखिए YouTube का लोगो यहाँ से हम ओके कर देंगे। यहाँ पर YouTube का लोगो भी यहाँ से हम सेट कर देंगे छोटा करके, ऐसा भी करना है। यहाँ से आप जूम करके इसको बड़ा करके चाहे तो सेट करें, फिर जूम को हटा दें और फिर हम इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से सेट जैसा भी करें, ठीक है। अब इसको जूम को हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ से जो ये YouTube है इसको हम स्ट्रोक देना चाहते हैं। स्ट्रोक आउटलाइन एरिया का कलर होता है, जो आउटलाइन में जैसा भी हम कलर करते हैं वो कलर हो जाता है स्ट्रोक में। ये देखिए जैसा भी कलर देना चाहते हैं। इसको नीचे हटाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम नीचे भी यहाँ से हटाएंगे। ये देखिए सेट हो गया है बिल्कुल पूरी तरीके से। और कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर, और कुछ भी लिखेंगे यहाँ से नीचे की साइड में टेक्स्ट पे जाके लिख लेंगे, चाहे ऊपर की साइड में जो प्लस वाला आइकन है चाहे यहाँ से भी लिख सकते हैं टेक्स्ट। उसके बाद पेंसिल वाले ऑप्शन से यहाँ पर चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हम लिख देंगे आपका स्वागत है और इसको हम कर देंगे ओके। और यहाँ पर इसको हम सेट कर देंगे छोटा करके, इसका साइज छोटा करके हम यहाँ पर इसको कर देंगे सेट। इसको बोल्ड भी कर देंगे यहाँ से। फॉन्ट आपको चेंज करना है तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं और इसका आउटलाइन स्ट्रोक भी दे देंगे, इसका आउटलाइन स्ट्रोक भी दे दिया। अब हम इसका कलर भी चाहे बदल सकते हैं, कलर बदलने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा और इसका कलर जैसा भी आपको रखना है वैसा कलर यहाँ पर सेट कर लेंगे, इसको कर देंगे ओके। अब हम इसको हम यहाँ से सेट करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो जाए, चाहे तो इसको हम साइज़ भी यहाँ से छोटा कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी इसका साइज़ यहाँ से भी कर सकते हैं।
ये पूरी तरीके से अब सेट हो गया है। इसमें और भी डिजाइन है, यदि आपको करनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि ये डिजाइन है, हमें यहाँ से इसको ओके कर लेना है और इसको हम इधर उधर करके इसको छोटा करके और भी डिजाइने यहाँ पर कर सकते हैं। को जूम करके हम यहाँ पर ये डिजाइन करके जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रहे हैं, आप अपने हिसाब से जैसा भी अच्छा लगे वैसा बना लेना। अब हम इसका कलर दे देंगे, आउटलाइन स्ट्रोक दे देंगे, ये स्ट्रोक हो गया। अब यहाँ से हम इसको जूम आउट भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए जो हमने ये लगाया है अलग से, जो कि डिज़ाइन की है, इसको भी हम अलग से यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से दूसरा भी यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से अब डिज़ाइन हो गया है। अब यहाँ पर जो है ये वाला एरिया जो हमने लगाया था, जो कि डेस्कटॉप माइक जो कि यूट्यूब फॉर्मेट रहता है, वो वाला हमको यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए पहले हम इसको यहाँ से ताले वाले ऑप्शन पे जाकर इसको हटा देंगे, अनलॉक करेंगे, क्योंकि ये लॉक होता है। इसको यहाँ से लॉक हटा के अब देखिए जो यूट्यूब फॉर्मेट वाला इमेज है, हमें वो हटा देना है, डिलीट कर देना है। यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ से ओके कर देना है। अब हट गया, ये देखिए हमारा जो है लोगो तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड में आपने वॉलपेपर लगाया है, इसका कलर भी हम भद्दा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको अनलॉक करना होगा, क्योंकि ये लॉक है। जब तक लॉक होता है तब तक हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं पकाया, जो भी हमने जो सेट किया है इसको लॉक करके रखेंगे ताकि ये हिले ना यहाँ से। अब यहाँ से इसको हम हटा देंगे। अब ये जो हमने सेट किया था, अब ये वाला हिल सकता है क्योंकि इसको अनलॉक किया है। अब यहाँ पर इसको हम ओपिसिटी यहाँ पर इसकी कम कर देंगे, यहाँ से कलर में जाके ओपिसिटी लिखा है जो, ये देखिए ओपिसिटी लिखा है, यहाँ से इसका कलर भद्दा गाढ़ा कर सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे। बिल्कुल भद्दा मैंने कर दिया है। और जो बैकग्राउंड में कलर है, बैकग्राउंड का भी कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि बैकग्राउंड में हमने किया था, यहाँ से यहाँ से कर देंगे ओके। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो है YouTube बैनर तैयार है, सिर्फ आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है और आपका जो फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा YouTube चैनल बैनर तैयार है। अब हम इसको लगाएंगे। लगाने के लिए आपको मैं आपको बता दूं कि इसको चाहे तो आप क्रोम ब्राउज़र पे जाके लगा सकते हैं और चाहे तो YouTube एप्लीकेशन पे भी जाके लगा सकते हैं। YouTube एप्लीकेशन पे भी हम इसको आराम से लगा सकते हैं, बहुत लोग जो है क्रोम ब्राउज़र पे जाके डेस्कटॉप मोड पर करके लगाते हैं, लेकिन हम आपको YouTube जो है आपका एप्लीकेशन है उस पर ही आपको लगाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर आपका लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद योर चैनल पे जाएंगे, योर चैनल पे जाने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पे एडिट चैनल पे। एडिट चैनल पे जाने के बाद तो ये देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे चैनल का बैनर पहले से सेट है, लगा हुआ है, लेकिन हम इसको दूसरा लगाना सिखाएंगे। अभी जो बनाया था वो वाला लगाएंगे। किस तरीके से लगाएँ, यहाँ पर जो दिख रहा है कैमरे वाला ऑप्शन, यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर चूज योर फोटो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आपकी गैलरी में पहुंचा देगा। अभी गैलरी में आपने जो भी फ़ोटो यहाँ पर किया था वो आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये इस तरीके से आपके मोबाइल में दिखेगा। अब हमें इसको जूम इन कर लेना है, ये जूम आउट जूम इन जैसे करते हैं वैसे दोनों उंगलियों को रख के इसको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद में यहाँ पर ये देखिए सेट हो गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से छोटा कर लेना है, जो दोनों उंगलियों को रख के ऐसे जूम इन जूम आउट करते हैं वैसे। अब इसको यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ सेव कर देना है। ये देखिए जो अभी हमने क्रिएट किया था जो कि YouTube चैनल बैनर, वो वाला लग गया है। अब यहाँ पर आपको YouTube चैनल ये बैनर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से टेक से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।